हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं पवन प्रजापति स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप सभी को एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी मुझे अच्छी लगती है, काफ़ी प्रेरणादायक स्टोरी है। आप सभी इस स्टोरी को पूरा सुनिएगा और यदि कोई सवाल सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यदि स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात होती है, दो भाई समुद्र किनारे टहल रहे होते हैं। दोनों भाई में किसी बात को लेकर बहस हो रही होती है। अचानक बड़े भाई ने छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया। बहस होने की वजह से गुस्सा आ जाता है बड़े भाई को और छोटे भाई को थप्पड़ मार देता है। छोटे भाई ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप समुद्र किनारे रेत पर जाकर लिख देता है कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझे मारा। अगले दिन दोनों फिर समुद्र किनारे घूमने निकले। छोटा भाई समुद्र में नहाने लगा, अचानक वो डूबने लगा। बड़े भाई ने उसे बचाया। छोटे भाई ने पत्थर पर लिखा, आज मेरे बड़े भैया ने मुझे बचाया। बड़े भाई ने पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने रेत पर लिखा और जब मैंने तुमको बचाया तो तुमने पत्थर पे लिखा, ऐसा क्यों किया? तो विवेकशील यानी छोटे भाई ने जवाब दिया, जब हमें कोई दुख देता है तो रेत पे लिखना चाहिए ताकि वो जल्दी मिट जाए, परंतु जब हमारा कोई हेल्प करे, जब हमारे साथ कोई कुछ अच्छा करे तो हमें उस चीज़ को यादगार बनाने के लिए पत्थर पे लिखना चाहिए ताकि उस चीज़ को हम कभी भी ना भूल पाएँ। तो दोस्तों, मैं इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि जब उसके बड़े भैया ने उसे थप्पड़ मारा तो उसने कहाँ लिखा, रेत पर, ताकि उस चीज़ को वो जल्दी भूल जाए। लेकिन जब उसके बड़े भैया ने अपने छोटे भाई को डूबने से बचाया तो उस छोटे भाई ने उस बात को जाकर पत्थरों पर लिख दिया ताकि ये चीज़ कभी ना भूल पाए। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि जब आपके साथ कोई बुरा करता है ना, तो आप उसको कुछ ऐसी जगह लिखो जो जल्द से जल्द ख़त्म हो सके, जिसे आप जल्द से जल्द भूल सको। क्योंकि अगर गलती को आप याद करो तो आप बार बार परेशान होगे और लाइफ में कुछ भी करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। तो कोशिश यही करें कि अच्छाइयों को आप लेकर चलें, बुराइयों को जितना जल्द हो सके उतना जल्दी छोड़ दें। और यहाँ पर कंडीशन होती है मेरे फ्रेंड्स, दोस्तों, यहाँ कंडीशन होती है, बहुत सारी कंडीशन होती है जो आप नहीं समझ पाएंगे, तो मैं वही चीज़ आपको समझाऊंगा। लाइफ में गलती सबसे होती है। जो इंसान पैदा हुआ उसने समझो गलती की ही है, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं हुआ, यहाँ तक कि भगवान भी ऐसे नहीं हैं जिन्होंने गलती ना की हो। सब ने गलती की है लाइफ में, सब लोग गलती करके आगे बढ़ते हैं और आपसे भी गलती होगी। सिर्फ वही इंसान गलती नहीं कर सकता है जिस इंसान ने कुछ करने की कोशिश नहीं की। जिस इंसान ने कुछ करने की कोशिश की है उसने ज़रूर गलती की है। जैसे कि यदि मैं साइकिल चलाने की कोशिश करूं, तो मैं भाई गिरूंगा, मुझसे गलती होगी, मेरा पांव टूटेगा, पांव फूटेगा, ब्लड भी आएगा, तो मुझसे गलती होगी। लेकिन मैं साइकिल तभी सीख पाऊंगा जब एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराऊंगा, यानी कि जो मुझसे गलती हो जाएगी उसमें दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, तब जाके मुझे सक्सेस मिलेगी, यानी तब मैं साइकिल चला पाऊँगा। तो बस आप यही कोशिश करिए कि आप हमेशा एक नई गलती करिए, पुरानी गलतियों को बार बार दोहराने की कोशिश मत करिए। यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं तब, और ज़िंदगी में आपसे भी गलती होगी और आपके साथ भी कोई लोग गलत करेंगे, तो उनको जितना जल्द हो सके उतना जल्दी भुलाने की कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी में वही आगे बढ़ता है जो गलतियों को भूल जाता है। अच्छे कर्मों को याद करिए। कहते हैं ना कि जब यार एक चुटकुला को लोग एक बार बार सुनकर हंस नहीं सकते हैं, मैं आपके सामने कोई बहुत हंसने वाला चुटकुला सुनाऊँ, पहली बार सुनाऊँगा तो आप खूब हंसेंगे, उसी को दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार सुनाओ तो आप उतना नहीं हंसोगे क्योंकि वही चीज़ को आप दो तीन बार सुन चुके हैं। बस दोस्तों, यही बताना चाहता हूँ कि आप बुरी चीज़ों को, चाहे कोई भी चीज़ हो, आप प्रॉब्लम्स को बार बार याद करके परेशान हो जाते हो, परेशानी को बार बार याद करके परेशान हो जाते हो,
उसे आप सॉल्व करने की कोशिश नहीं करें। यार परेशानी परेशान करने के लिए ही आती है, तो परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे एक चुटकुले को सुन के आप बार बार हंस नहीं सकते हैं, वैसे ही एक परेशानी को बार बार याद करके आप परेशान क्यों हो जाते हैं? मत होया करिए, परेशानी को सॉल्व करिए, परेशानी से लड़िए। परेशानी परेशान करने के लिए आती है, मैं बार बार कह रहा हूँ, परेशानी परेशान करने के लिए आती है। एग्ज़ाम जब आएगा तो वो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसे प्रॉब्लम नहीं आएगी जो पहले से ही तैयारी कर रखा होगा। तो बस परेशानी से सॉल्व सोल्यूशन पाना है, परेशानी को सॉल्व करना है, उसमें आगे जाना है, तो आप उसकी पहले से ही प्रिपरेशन करके रखिए, पहले से ही तैयारी करके रखिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कोशिश करिए लाइफ में कुछ अच्छा करने की, किसी के साथ अच्छा करने की, ताकि आपकी हर एक बात को इंसान पत्थरों पे लिखे। और कंडीशन होते, कुछ लोग इसी में कमेंट भी कर सकते हैं ऐसा कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ लोग इतना बुरा कर देते हैं कि उसे हम भूलना चाहें भी तो नहीं भूल सकते हैं। तो यार जो इंसान बिल्कुल बुरा ही है ना, उसे आप सुधार भी नहीं सकते, उसे आप बदल भी नहीं सकते, वो बुरा करेगा ही करेगा। सिर्फ आप अच्छा करिए, क्योंकि कहते हैं ना बिच्छू का काम डंक मारना है तो वो डंक ही मारेगा, सांप का काम यदि डसना है तो वो डसेगा ही डसेगा। जिसका जो काम है वो करेगा, तो जो आपका काम है वो आप करिए ना। हर लोग अपना अपना काम करते हैं, आप भी अपना काम करिए। यदि आप अच्छे हैं तो अपनी अच्छाई दिखाइए, जो बुरा है वो अपनी बुराई तो दिखा रहा है ना भाई, जो गलत है वो गलती कर रहा है। आप अच्छे हैं तो आप अपनी अच्छाई पे टिके रहें, आप अच्छा करें, आप कुछ ऐसा करें जिससे आप सक्सेस के रास्ते पे जाएं, आप कुछ ऐसा करें जिससे आपका भविष्य अच्छा हो, आपका फ्यूचर अच्छा हो, आप कुछ लाइफ में बेटर करने की कोशिश करें। और गलती को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉरगेट, भूलने की कोशिश करें, क्योंकि गलतियाँ बढ़ाने से बढ़ती हैं, घटाने से घटती हैं। गलती आपसे भी होती है, गलती मुझसे भी होती है, लेकिन वो इंसान गलत होता है जो एक ही गलती को दोहराता रहता है। मैंने शुरू में ही बोला था, जिस इंसान ने लाइफ में कुछ करने की कोशिश की उसने गलती की, उससे गलती होगी ही होगी, लेकिन वो इंसान सक्सेस होगा जो इंसान एक गलती को बार बार नहीं दोहराएगा। एग्जांपल मैंने दिया था साइकिल चलाने का, खाना खाने का। अगर छोटा बच्चा खाना खाता है, सीखता है ना खाना खाने का ढंग, पूरे अपने शरीर पूरे अपने मुंह में पोत लेता है। यदि वो ना सीखे तो क्या लगता है, मुंह में पोतेगा लेकिन ज़िंदगी भर सीख नहीं पाएगा। लेकिन गलती करता है, पहली बार कपड़ा पहनता है ना तो बटन सही से नहीं बंद कर पाता है, क्या करता है पहली बार गलती करता है, फिर माता पिता बताते हैं, उसे सीख जाता है, उस गलती को दोहराता नहीं है, तो क्या करता है, सीख जाता है। ऐसे ही हर काम, मैंने छोटा छोटा एग्जाम्पल दिया आपको, और अब इससे बड़ा बड़ा आप काम ले, जितना बड़ा आप काम करेंगे आपको प्रॉब्लम आएगी शुरुआत में, आपसे गलती होगी, लेकिन उस गलती को जब कोई बताएगा तो उसे दोबारा आप करने की कोशिश मत करिएगा, उसे सीख लीजिएगा, उस गलती को वहीं से ख़त्म कर दीजिएगा, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका छोटा भाई हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई भी सवाल सुझाव हो तो कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू एंड लव यू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।